है, उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। 3 साल की थी तभी पापा से जिद करती थी, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, और अच्छे स्कूल में पढ़ना है हमको, हम छत वाले स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो पापा इंग्लिश मीडियम में उसके एडमिशन दिलवा दिए, और हिंदी मीडियम से पढ़ने का तो कुछ शौक था ही नहीं कभी। और उसके बाद वहाँ भी मतलब गई तो वहाँ भी अच्छे नंबर निकाली, टेस्ट लिया स्कूल में, तो वहाँ भी बोला क्या कि ये तो 5 क्लास के लायक है, 2-3 क्लास के लायक है ही नहीं, तैयारी करके आई हुई है। घर से ही अपने खुद से पढ़ती थी, हम लोग उसको कभी नहीं बोलते थे पढ़ने के लिए, कोई भी किताब लेके अपना पढ़ने बैठ जाती थी, सब कुछ याद करके रखी हुई थी। वहाँ जाती थी टेस्ट देने के लिए, होली क्रॉस में भी टेस्ट दी, वहाँ भी निकल गई, BPS में, DPS में, सब जगह टेस्ट दिलवाए लो, निकल गए लोग। तो उसके बाद पापा वहाँ BPS में एडमिशन दिलवा दिए उसको, वहीं से पढ़ाई करना शुरू कर दी। वहाँ भी इतना तेज थी कि सर लोग सारा उसका फीस माफ़ कर दिए थे, माफ़ हो गया था, बोले सर कि हमारे तरफ से स्कॉलरशिप से पढ़ाई होगा इसका। तो बस आराम से मतलब +2 तक उसका उसी तरह से हुआ, हर साल फर्स्ट आती थी, पेपर में उसका फ़ोटो बचपन से ही आता है, हर क्लास में उसका फ़ोटो आता था, और बोर्ड में जाकर 96% मार्क्स था उसका बोर्ड में, और ISC में भी 98% मार्क्स लाई थी। और बोर्ड के बाद से मतलब एडमिशन लेने का हुआ तो पापा बोले कि इंटर में एडमिशन ले लो, तो नहीं हमको साइंस से पढ़ना है, हमको मैथ से पढ़ना है, इंजीनियर बनना है। तो फिर पापा उसको एडमिशन दिलवा दिया, वहाँ भी सर मतलब फ़ोन किए कि नहीं हमारे स्कूल में ही एडमिशन दिलवाइए, हम लोग उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे, बस आप भेज दीजिए उसको यहाँ पढ़ने के लिए। बस पापा को तो कोई खर्च था ही नहीं, आराम से एकदम पढ़ाई हुआ, 12 भी पढ़ लिया, उसके बाद AI EEE भी अच्छे मार्क्स से निकाली थी जी, 14,000 रैंक था AI EEE में, लेकिन IIT का भी एग्ज़ाम दी थी, 1 नंबर से पीछे रह गई। उसके बाद दूसरी बार ट्राई नहीं किया IIT के लिए, और वहाँ जोधपुर में एडमिशन हो गया सरकारी कॉलेज में। वहाँ भी मतलब पढ़ने में इतना तेज थी कि वहाँ भी स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई की, घर से कोई खर्च नहीं जाता था, खाने पीने का खर्च जाता था, लेकिन स्कॉलरशिप कॉलेज से मिलता था। वहाँ भी अच्छे नंबर से पास हुई, और उसके बाद CDS का एग्ज़ाम दी, उसमें भी निकल गई, दिल्ली मेट्रो में भी निकल गई थी, और ये रेलवे वाला में इंजीनियरिंग में निकल गई थी। लेकिन हम लोग बोले कि CDS वाला बोला कि मतलब वहाँ हिमाचल पोस्टिंग करने के लिए, तो हम लोग मना कर दिए, इतना दूर नहीं जाएगी, बिहार वाला टेस्ट दी थी, तो यहाँ निकल गई बिहार वाले में इंजीनियरिंग में, वहाँ 2017 में ज्वाइन कर ली, और तब से अब तक जॉब कर रही है। अब ज्वाइन करने के बाद भी अपना वहाँ तैयारी कर रही थी, हम लोग बोले कि छोड़ दो अब तो तुम्हारा जॉब हो गया, तो नहीं हमको और कुछ करना है। उसके बाद अपना तैयारी कर रहे थे, BPSC निकाल ली। हम लोग 6 बहनें हैं, सबसे छोटी 6 बहनें, 1 भाई, 5 बहन पर से 1 भाई है, उस पर से सबसे छोटी वो है। सर तो बहुत शुरू से ही तेज थी पढ़ने लिखने में, 1 क्लास से ही टॉपर थी, शुरू से बहुत पढ़ाई, बहुत मेहनत की, ये पूरा फैमिली का उसमें योगदान है, सब कोई उनसे ही था, सब कोई चाहता, हाँ सब सहयोग दिया था, बहुत अच्छा मार्क्स लाई थी, हाँ 95% लाई थी, वो उनका पूरा पढ़ाई लिखाई उसे ही चला, फ्री में वहाँ पर पढ़ाया वो लोग। स्टार्टिंग में पारिवारिक में थोड़ा सा दुख वगैरह ये सब हुआ, उस माहौल हाँ, को भी किस तरह वो आगे बढ़ी? हाँ वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, हर माहौल के साथ जूझने का उसमें क्षमता है। अब कैसा लग रहा है? हाँ अब कैसा क्या खुशी है, अब तो मुझे हम ही लोग जानते हैं, खेल कूद में भी वो आगे रही। हाँ हर चीज, हर फन मौला थी, हर चीज में वो तेज थी, खेल कूद पढ़ाई लिखाई हर चीज में वो आगे थी, हर जगह टॉप करती थी। वो दिन रात अब इतना उसका पढ़ाई था, पर्व त्योहार में भी कभी उसने पर्व नहीं सही से मनाया, बस खा लेगी, कपड़ा पहन लेगी, उसके बाद से फिर पढ़ना शुरू की, नहीं लाइफ बनाना है हमको अपना उसको वो।